बिग बॉस के सीजन 11 में 12 अक्टूबर के 11वें एपिसोड की शुरुआत बैंग बैंग गाने से होती है और रोज की तरह घरवाले बिस्तर से निकलकर थिरकने लगते हैं। आज घर के सदस्यों के बीच कैप्टेंसी को लेकर चुनाव हुआ, वहीं घर में खाना बनाने को लेकर सबके बीच जंग छिड़ गई। घर में सबके अपने अपने अंडे तो अलग बटे हुए हैं, मगर आटा नहीं बटा। जब शिल्पा घर में एक साथ खूब सारे पराठे बना देती है तो इसको लेकर अर्शी हिना के कान भरती है और कहती है कि किचन में बहुत सारे पराठे बन रहे हैं, ऐसे तो आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको लेकर अब घर में हिना और हितेन शिल्पा से कहते हैं कि आटा खत्म हो जाएगा तो तुम जिम्मेदार होगी। इस पर शिल्पा चिढ़ जाती है और हितेन और हिना को खूब भला बुरा सुनाती है। इधर शिल्पा और अर्शी के बीच में अब जंग छिड़ने लगी है क्योंकि राजा रानी टास्क अर्शी ने जीता था, इसलिए बिग बॉस ने उन्हें कैप्टेंसी का दावेदार बनाया। इस पर शिल्पा कहती है कि अर्शी इसके लिए डिजर्व नहीं करती, उन्हें खुद के लटकों झटकों से ही वक्त नहीं मिलता तो कैप्टेंसी कैसे संभालेंगी। वहीं बिग बॉस ने हिना को कन्फेशन रूम में बुलाया और बताया कि वो घर वालों को बताएंगी कि कैप्टेंसी के लिए किन किन लोगों के नाम सामने रखे जाएं। घर में सबको अर्शी और हिना के बारे में पता है, लेकिन बाद में तय होता है कि हिना और पुनीश कैप्टेंसी के दावेदार होंगे, मगर बाद में सब हिना के खिलाफ हो जाते हैं और दावेदारों में अर्शी और पुनीश का नाम रह जाता है। इसी बीच हिना खान और विकास के बीच में एक बार फिर से तूतू मैमा शुरू हो जाती है, पुरानी बातें फिर उखड़ जाती है। हिना और माताजी यानी शिवानी आपस में बातें करते रहते हैं, तभी विकास चिल्लाकर बोलते हैं कि मेरे बारे में बात ना की जाए। हिना दरअसल शिवानी से कह रही होती है कि विकास से घर में कोई बात नहीं करता और वो फ्रस्ट्रेटेड है। यही बात विकास सुन लेते हैं और वो हिना और शिवानी से कहते हैं कि मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो शिवानी उल्टा विकास पर भड़क जाती है। विकास कहते हैं कि मैं आपसे नहीं भिड़ूंगा। विकास यहाँ शिवानी को रिस्पेक्ट लेकर चुप हो जाते हैं। वहीं भड़कते हुए शिवानी कहती है कि हमारे बीच में आपस में मत बोलो, आप बहुत बदतमीज हैं। विकास कहते हैं कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आपकी उम्र का लिहाज करता हूं। इस तरह शिवानी को सुनाई देता है कि मैं आपको फुटेज नहीं दूंगा। इसके बाद शिवानी और भड़क जाती है। इधर अर्शी कहती है कि वो शिल्पा को अच्छे से जानती है, वो बंदे की फितरत को अच्छे से समझती है। इधर विकास शिल्पा की काफी तारीफें करता है। विकास यहाँ शिल्पा की परफॉर्मेंस और उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। विकास कहता है कि शिल्पा कॉमेडी बहुत अच्छी करती है। इसके साथ ही विकास अर्शी से भी बातें करता है। यहाँ बिग बॉस पड़ोसियों को एक विशेष अधिकार देते हैं जिसमें वो पुनीश और हिना में से एक को कैप्टेंसी की दावेदारी से हटने के लिए कहते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें किसी और सदस्य का नाम आगे करना है। पड़ोसी आपसी सहमति से हिना का नाम हटाकर पुनीश और विकास का नाम आगे करते हैं। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक टास्क देते हैं जिसका नाम है फिल द फिश टेक द प्राइज। इसमें घर के दो मेंबर्स को हवा में रस्सी से लटकाया जाएगा, वहीं घर वालों को घर के सामान के भार से बैलेंस बनाते हुए लटके हुए लोगों को वापस नीचे उतारना होगा। इस टास्क में विकास और पुनीश को लटकाया जाता है। दोनों में से जिसकी टीम पहले अपने सदस्य को नीचे उतारती है वो जीत जाता है। ऐसे में पुनीश हवा में लटका रह जाता है और विकास घर के पहले कैप्टन बन जाते हैं। घर में अब विकास कैप्टन बन चुके हैं। इसके साथ ही बिग बॉस विकास को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, जैसे कैप्टन किसी भी घर के सदस्य को कोई भी काम करने के लिए कह सकता है। कैप्टन की बात न मानने पर वो किसी को भी सजा दे सकता है, वहीं वो अगले नॉमिनेशन में किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। अब जहां पहले अर्शी और शिल्पा साथ थे और दूसरी तरफ विकास और हिना साथ थे, अब तस्वीर बदल चुकी है। अब विकास और शिल्पा के दोनों खास दोस्त आपस में बदल चुके हैं, मतलब शिल्पा के साथ अर्शी के बजाय अब हिना है और विकास के साथ हिना के बजाय अर्शी खड़ी है। विकास कैप्टन के तौर पर हिना को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए कुछ काम है, लेकिन घर की लाइट बंद होने की वजह से हिना कहती है कि वो अभी नहीं कर सकती। वहीं विकास कहते हैं कि जो आदेश नहीं मानेगा वो नॉमिनेट होगा। वहीं हिना विकास को सुनाते हुए गाना गुनगुनाने लगती है, कबूतर जा जा जा। अब शिल्पा और हिना एक पाले में आ जाते हैं और इस तरीके से 12 अक्टूबर का एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।